नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी ओपीडी में तैनात ईएमओ डॉक्टर संतलाल के ऊपर अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर तैनात पुरुष स्टाफ नर्स ने अभद्रता करने का आरोप लगाया। संविदा कर्मचारियों ने इसकी शिकायत प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता से किया। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री सूरज गुप्ता के नेतृत्व में स्टाफ नर्सों ने प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता से मिलकर एक पत्रक सौंपा, पुरुष स्टाफ नर्स के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि मुझे रिटेन में एक पत्र मिला है। इन लोगों ने शिकायत की है कि डॉक्टर सिर्फ हम लोगों से ही काम लेते हैं और जो भी शिकायतें हैं उनकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने डॉक्टर संतलाल से दूरभाष पर संपर्क करना चाहा तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ, इस कारण उनका पक्ष नहीं लिया जा सका। पत्रक सौंपने के दौरान बासुकी नाथ तिवारी, सूर्यभान तन्हा, चंदन सिंह सहित दर्जनों स्टाफ नर्स मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सूरज गुप्ता और प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, ये लोग उठे बैठते हैं और डॉक्टर को भी प्रभाव जमा कर मोबाइल फोटो खींचे दे। अच्छा सर, एक चीज बताइए, सुई इनको मैं लगा के आ रहा हूँ और ये इनका टेंडर पूछे कि ये बताओ कुछ आराम नहीं हुआ तो मैंने ऐसे कर दिया। सूरज गुप्ता का यह है कि इमरजेंसी ओपीडी में जो पुरुष स्टाफ नर्सेज कार्यरत हैं वो एक तो पूरी मेहनत और पूरी लगन ईमानदारी साथ काम करते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ कल डॉक्टर संतलाल ड्यूटी पे थे जिन्होंने हमारे स्टाफ के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया, उन्होंने उन्हें जात सूचक शब्द कहा और गाली दे के बुलाया और कर्मचारियों के पूछने पर उन्होंने कहा हाँ मैं दूंगा गाली। इस तरीके की बात को लेकर के आज एसआईसी महोदय हम लोग मिले हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। उनकी शिकायतें हैं कि इमरजेंसी में डॉक्टर साहब लोग जो हम इनों से काम ज़्यादा करवाते हैं और हर बात पर हम इनों को कहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, इस तरह की शिकायतें लेके आए हैं, रिटेन में दिया है। मैं इस मामले में जाँच करवाता हूँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा। जो तैनाती चिकित्सक रहते हैं नाइट ड्यूटी में अलग अलग समय में,